तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल हैंड राइटिंग कैसे एक्टिवेट करता है हमारे फ़ोन में। तो अब ये कैसा वर्क करता है आपने वीडियो का पहला देखा ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको पहला प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद गूगल हैंड राइटिंग इनपुट आपको टाइप करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर डिसेबल होगा, इसको आपको इनेबल करके आपको गूगल हैंड राइटिंग इनपुट को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पहले से ही सेलेक्ट करके रखा हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन में जाके यहाँ पर कौन कौन सा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑलरेडी एक्टिवेट होगा, इसे आपको डीएक्टिवेट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी में एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, ये दो लैंग्वेज में एक्टिवेट कर देता हूँ अभी। उसके बाद मुझे बैक जाना है। बैक जाने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको गूगल हैंड राइटिंग इनपुट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जो स्पेस बार है, स्पेस बार पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गूगल हैंड राइटिंग इंग्लिश का, हिंदी का। तो मुझे फ़िलहाल हिंदी का चाहिए, तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद वो जो लैंग्वेज है उसे डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद आराम से आप हिंदी में लिख सकते हो। तो डाउनलोड होने के बाद मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली मेरे हाथ से मुझे लिखना है। तो यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ मैं, मेरा ओके, आपको सीधा लिखना होगा, मेरा नाम। अब इस तरह सिंपली आराम से पेपर में लिखने के जैसे आप आराम से लिख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, आप आराम से ये लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।